नमस्कार, मैं हूँ रिया बिपलीवाल। आप देख रहे हैं डिजिटल वीडियो न्यूज चैनल MP7 न्यूज। खबरों की अधिक जानकारी के लिए आप MP7 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बैंक की चूक से बना लखपति, देखिए पूरी खबर। कई बार बैंक की तकनीकी खराबी के कारण बड़ी रकम गलती से अनजान लोगों के अकाउंट में जमा हो जाती है, जिसका एक ताजा मामला गुजरात के अहमदाबाद से आया है। दरअसल यह मामला आपको सुनकर थोड़ा अजीब भी जरूर लगेगा, क्योंकि जिस व्यक्ति के खाते में पैसा जमा हुआ वो बैंक की गलती के कारण एक पल में ही करोड़ों रुपए का मालिक बन गया। तो आइए जानते हैं उस व्यक्ति के लखपति बनने का राज क्या है, कैसे वो आदमी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर उतने रुपयों को इस्तेमाल कर गया। दरअसल अहमदाबाद के बैंक में गलती या फिर इसे बड़ी लापरवाही कर सकते हैं, अन्य अनजान व्यक्ति के खाते में जमा हो गए। जिसके खाते में इतनी बड़ी रकम जमा हुई उसका नाम रमेश सागर है। पिछले कई सालों से शेयर बाजार का हिस्सा है और पैसों का भी निवेश करता है। अमूमन अगर किसी के खाते में अचानक कोई रकम आ जाए तो वो एकाएक घबरा जाता है, लेकिन इस केस में कुछ उल्टा ही हुआ। घटना अहमदाबाद के कोटक बैंक की है, जहां रमेश ने करीब एक साल पहले डीमैट अकाउंट खोला था, जिसके बाद उसके खाते में गलती से 11,677 करोड़ रुपए जमा होने के मैसेज आए। और फिर रमेश सागर ने बिना देरी करते हुए 2 करोड़ रुपए शेयर बाजार में लगा दिए, जिससे उन्हें कुछ ही समय में 2 करोड़ पर 5 लाख का मुनाफा कमा लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने इस राशि का और भी कार्यों को करने में इस्तेमाल किया। इधर बैंक में हिसाब में इतनी बड़ी गड़बड़ी देखकर सभी के पसीने छूटे हुए थे। जब बैंक ट्रांजैक्शन की पूरी डिटेल खंगाली गई तब इतनी बड़ी गलती पाई गई। बता दें कि तब तक घटना को करीब 5 घंटे बीत चुके थे, जो कि बहुत बड़ा गैप माना जाता है, जिसके तुरंत बाद बैंक ने रमेश के अकाउंट से जमा की गई राशि वापस ले ली। लेकिन अफसोस, 11,677 करोड़ में से बैंक को 2 करोड़ का नुकसान हो गया, जिसे बैंक को घाटा हो गया। चूंकि बैंक की गलती होने के कारण वो इस रकम के लिए कोई ठोस कदम भी नहीं उठा सकता। वहीं जब बैंक के कोटक सिक्योरिटीज से इस मामले में बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने इस पर कोई भी टिप्पणी करने से साफ मना कर दिया। लेकिन बैंक की गलती के कारण ये चंद घंटे खाता धारक रमेश के लिए जैकपॉट साबित हुए। देखते रहिए हमारे साथ MP7 न्यूज।